केयर टेकर ना बने, 90 रोज में इंतखाबात कराएं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज फिर अपना मुतालिबा दोहराते रहे। कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी अपने बयान की वजाहत दे सकते हैं, मैं लाहौर जा रहा हूं, वहां इख्तलाफ राय को सुनेंगे। सीईसी का फैसला था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं, जियाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, आवाम मुश्किल में है, मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लोग परेशान हैं, ख़ानदान के लिए राशन कहाँ से लाएं, बिल कैसे जमा कराएं और इलाज कहाँ से कराएं। जहाँ जा रहा हूँ, आवाम के चेहरों पर दुख और मायूसी नुमायाँ नज़र आ रही है। हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये चेयर टेकर्स ना बने, अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। आवाम की शक्लों पर लिखा हुआ है कि आवाम परेशान, मुश्किल में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी के बजाय तकसीम और नफरत की सियासत के बजाय अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। कि जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, अब सदर जरदारी का इसे पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिसपे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग, हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आईन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने हमें बताया कि आईन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए।